सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुहद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद ईस्ट वेस्ट मालेगांव धूले शोलापुर ये कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। अभी हम आज यहां पर और एक बाइकल्ला से और मुमरा से ये अनाउंस करेंगे, फिर शाम तक और भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है और मुंबई के और सीट से कुरला है, कहां कहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉन्टेस्ट कर रही है वो तमाम सीट्स की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट जनाब रईस लश्करिया साहब ने ये तमाम लोगों से दरखास्तें ली है, लेकर हेड ऑफिस बैरिस्टर सुहद्दीन अवैसी साहब के पास भेजी है, तो उसमें से कौन से सीट कितने सीट मजलिस लड़ेगी वो फाइनल आज ये ऐलान कर रहे हैं कि शाम तक और आएगा, कल और आएगा, जैसा जैसा आप वहाँ से हेड ऑफिस से या मरकज से सदर मजलिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, मैं यहाँ का बहैसियत मजलिस के जिम्मेदार के यहाँ के सदर के साथ मिलकर यहाँ के ऐलानात हम करेंगे। बाइकल्ला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस की जानिब से जनाब फैयाज अहमद साहब का नाम फतेह किया गया है तो वो यहाँ से लड़ेंगे, और मुमरा से जनाब सैफ पठान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुमरा से ऐलान किया है अपने उम्मीदवार। वो फैसला भी सदर मजलिस ने लिया, आपस में खानदान में भी नाइतफाकी हो सकती है, कोई खास बात नहीं है। नाइतफाकी लेने से पहले भी नाइतफाकी वो जो एपिसोड है उससे पहले उनका ऐलान हो चुका था, एक एपिसोड आया और चला गया, जो उनका ऐलान हुआ था वो कायम है। दैट्स इट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद का नाम है, इंशाल्लाह हम इत्तेहाद के लिए लड़ते हैं और इत्तेहाद के लिए कोशिश भी कर दिए थे। उसके बाद किसी और को अनाउंस नहीं करे, ना वो अनाउंसमेंट को कैंसिल करे, जो हमारे में तलखियां थी वो दूर ही, वो जो अनाउंसमेंट पहले हुआ था वो इज कंटिन्यू है। नहीं, वो तो नाराजगी तो भोज देने लगाते, उससे कोई अहमियत नहीं है। वो एक नाराजगी एक पैदा हुई, उनका इख्तियार था, उनका सोचना था और उनको राइट है सोचने का, उनका ये इख्तियार था कि इलेक्शन खत्म हुए तक मैं पूरी जैसे जिम्मेदारी मेरी थी वो चलाऊंगा बोलकर, लेकिन हम जमात ने सोचा कि उनको इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, खाली वही मतभेद था, उससे हटके कुछ भी नहीं। आई थिंक आंसर योर क्वेश्चन। तो वारिस पठान को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही फाइनल किया था, फैयाज अहमद भी इससे पहले आमदार रह चुके हैं, वारिस पठान को दोबारा भी मौका दिया गया, वारिस पठान को जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो डिसाइड करेगी, वारिस पठान को उस हिसाब से वहां पर फैसला किया जाएगा। यहाँ पर फैयाज अहमद का मजलिस ने फैसला किया है, फैयाज अहमद कैंडिडेट पहले ऐलान होने वालों में से कैंडिडेट्स में से है, जो ऐलान हुआ था उनका उसको रद्द नहीं किया गया था, वही ऐलान को जो नाराजगी थी दूर करते हुए वही ऐलान को कंटिन्यू किया गया होना चाहिए। और ये फैसला करने वाले सदर मंजिल या शोलापुर हो गया, धूले हो गया, वर्सोवा का पहले हो गया, वर्सोवा हो गया, बाइकल्ला हो गया, आपके मुमरा हो गया, भिवंडी है, भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, कुरला है, पूरा कंप्लीटली कंसर्नेड फिगर आया बाजी कुछ। मैक्सिमम जहां पर नुमाइंदगी है और अगर से नुमाइंदगी कारगर है, वहां की आवाम नुमाइंदगी से खुश है, तो वैसे जगह नहीं, वो वहां पर जाना नहीं जाना सदर मंजिल डिसाइड करेंगे। जहां पर लोग नुमाइंदगी नाम की है और वहां के लोग नाराज है, तो इस जगह सब्स्टिट्यूट तो आवाम डिसाइड। अभी फाइनल नहीं है, अभी मैं आपको नहीं बोल सकूंगा, इंशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी रहेंगे, मैं तो खैर खादिम हूँ, मैं तो खादिम रहूंगा। इंशाल्लाह ठीक है।